Assalamualaikum everyone, welcome back my channel My Parrot Wi-Fi and Me। बहुत ही सिंपल और सटीक वीडियो मैं बना रही हूँ, बहुत ही छोटी सी बना रही हूँ वीडियो जिसमें मैं बताऊँगी हाउ टू ट्रेन अ पैरोट टू स्टॉप बाइटिंग। पैरोट की काटने की आदत को हम बंद कैसे कर सकते हैं। कई पैरोट ओनर अनजाने में ऐसा करते हैं कि आप पैरोट को टाइम नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, और बाय चांस कभी आप उसको लेते हो या पास उसके जाते हो तो वो काटता है आपको, तो आप वो पैरट ये देखता है कि उसके बाइट करने से ही आप उसकी तरफ मुतवज्जा होते हो, काटने से ही उसकी तरफ आप देखते हो, इस तरफ आपका अटेंशन पाने के लिए भी आपको वो लगातार काटता रहता है। अगर आपके पास पैरट है, आपके हाथ पे है और वो आपको काटता है, तो सबसे बेस्ट आप ये करें उसको प्यार से धीरे से नीचे रखें, जैसे लाइक एक बच्चे को आप नीचे रख रहे हो। अगर वो एंग्री होगा, गुस्सा होगा, तो उसको उस वक्त ऐसे ही छोड़ दे, उसको कुछ टाइम दे ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तोते की काटने की आदत को बदलने के लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाली हूँ। नंबर 1, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। आप अपने तोते के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, बिकॉज तोता जब अकेला होता है तो ज़्यादा बोर होता है और इस तरह से उसकी काटने की आदत बन सकती है। नंबर 2, जब आपका तोता आपको काटता है तो आपको उसको बोलना पड़ता है कि नहीं, नो, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से उसके सामने बातें करनी है, उसको उस चीज़ करने से रोकना है। आप डेली अगर उसको नो बोलोगे तो उसको वो चीज़ समझ में आएंगी कि उसको ये चीज़ नहीं करनी है। इस तरह से उसको पता चल जाएगा कि उसको काटना नहीं है, और जब आप देख रहे हो कि वो नहीं काट रहा है आपके नो बोलने पर, तो उसको आप खुश होकर उसका फेवरेट चीज़ दे, खाने में ट्रीट दे, ताकि उसको और ज़्यादा खुशी हो और वो बिल्कुल ही उस चीज़ को बंद कर दे। नंबर 3, पैरट के काटने से बचने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सही तरीके से पकड़ना होगा। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि पैरट को पकड़ना कैसे है, हाथ पर लेना कैसे है। आप रॉन्ग तरीके से भी पकड़ते हो, इस वजह से भी आपका पैरट आपको बाइट करता है। नंबर 4, अगर आप पैरट को उसकी बाइटिंग हैबिट स्टॉप करना चाहते हो तो पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इस चीज़ को स्टॉप करने में आपको टाइम भी लग सकता है, ताकि ये उस चीज़ को सीख सके कि उसको बाइट नहीं करना है, इसमें टाइम भी लग सकता है। नंबर 5, सही माहौल। तोते के लिए सही माहौल बनाए, डेवलप करें, जैसे कि आप उसके साथ फ्रीली खेले, उसको पूरा फ्रीडम दे, उसको घर में ओपन करें, ताकि उसको एक अच्छा माहौल मिले। ऐसे माहौल में वो कोई भी चीज़ जल्दी सीख सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि पैरट का नेचर चेंज करने में टाइम भी लग सकता है, तो इस तरह से आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ के उसकी बाइटिंग को स्टॉप कर सकते हो, काटने की आदत को छुड़ा सकते हो। सो बाय बाय एवरीवन।